देखिए, जब जब भी नदी दरियाओं की बात आती है तो आज से हज़ारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले जहाँ ये दरिया बहते थे आज अपना रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो खनन माफिया है उसने हमारे नदियों, छोटे छोटे नालों, खड्डों को अब एक मतलब उसका खनन करके बड़ी बुरी स्थिति में ला दिया है। जिस तरह आपने बसंतर को कहा, पूरे जम्मू कश्मीर में पंजाब तक मतलब पंजाब तक बसंतर से खनन हो रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है जो करोड़ों के हिसाब से पैसा कमाता है। और उसमें हमारा हमारे प्रशासन की भी मैं समझूंगा मिली भगत है, कुछ ऐसे अधिकारियों की भी मिली भगत है जिनकी वजह से हमारे दरियाओं की या हमारे नदी नालों की बहुत बुरी स्थिति है। देखिए, जितने भी दरिया हैं उनमें एक क्रशर जो है बेतहाशा इतनी संख्या में लगे हैं कि इतना मतलब उन दरियाओं की प्रोडक्शन नहीं है, उनमें इतना रेत या पत्थर अब नहीं बचा। तो अब स्थिति ये आ रही है कि उन नदियों को खोद के निकाला जा रहा है और अब उन नदियों की हालत बहुत बुरी हो गई है। आप हमारे बेई में ही देखिए, 6 से 10 क्रशर जो हैं ऊपर से लेकर नीचे तक लगे हैं और उसका जो सतह है हमारी बेई की वो दिन व दिन गहरी होती जा रही है और उससे भूमि का जो जिसे हम हरण कहते हैं या खनन कहते हैं वो हो रहा है। और उसमें हमारे अधिकारी घन भी शामिल हैं, माइनिंग विभाग के लोग भी शामिल हैं। कभी एक वक्त था कि हमें 500 रुपये से एक रेत की ट्राली मिलती थी और कभी ऐसा समय था कि हमारे पंच सरपंच या हमारे प्रामिनेंट लोग इन खड्डों नदी नालों की संरक्षण के लिए कार्य करते थे। परंतु अब सरकार जब से सरकार ने इनका इनको देखना शुरू हुआ है तब से हमारे नदी नालों का दोहन जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें सारे विभाग और एक बहुत बड़ा माफिया इस पर काम कर रहा है। आज हमें 4000 में 3000 रुपये में रेता मिल रहा है, 3000 रुपये में बजरी मिल रही है जो हमारी ही खड्ड हमारी ही बेस से निकल रही है, लेकिन आम आदमी को 3-4 हज़ार रुपये में ट्राली मिल रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार दोषी है और हमारा प्रशासन दोषी है। और जब तक प्रशासन सरकार इस पर गंभीर रूप से अध्ययन नहीं करेगी या इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तब तक ये ठीक होने वाला नहीं है। आपने इस पर चर्चा की, धन्यवाद।